हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। अन्वेशास क्रिएटिविटी के सभी दर्शकों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज के वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ एंटीरेनियम के इस खूबसूरत फूल देने वाले पौधे के साथ में, जिसको मैंने उगाया था सीड से। और इसमें अब इस टाइम पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, जो देख करके बहुत दिल खुश हो गया, तो सोचा चलिए आपके साथ में भी शेयर कर दूँ। और ये देखिए कितने सारे स्पाइक्स में इसके फ्लावर आते हैं। ये स्पाइक्स जैसी बनती जाती हैं जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता जाता है। और अगर आपने नहीं उगाया है तो इसको आप अभी भी उगा सकते हैं, तो थोड़ा लंबे टाइम तक अप्रैल मई तक फ्लावरिंग कर देगा, और उसके बाद में इसके सीड पॉट बनने शुरू हो जाएंगे। तो उनको आप इकट्ठा कर लीजिएगा, नेक्स्ट ईयर आप अगस्त सेप्टेम्बर में इसकी सीडलिंग कर दीजिएगा। फिलहाल आज की मैं जानकारी दे रही हूँ आपके साथ में एक ऐसे पौधे के बारे में जो कि इंडोर प्लांट है, पत्तियों वाला है, सुंदर रंग बिरंगी पत्तियों वाला इंडोर प्लांट है, जिसको आप इंडोर रखें, आउटडोर रखें, शेड में रखें, सेमी शेड में रखें, सभी जगह चल जाएगा। धूप भी नहीं आती है अगर आपके घर में, तो भी वो बहुत सुंदर तरीके से आपका पौधा रहेगा और चलता रहेगा। तो मैं बात कर रही हूँ इस सुंदर रंग बिरंगी पत्तियों वाले इंडोर आउटडोर शेड सेमी शेड वाले प्लांट ड्रेसिना के बारे में, जो कि मेरे पास हैं दो। और दो कैसे हैं, मेरे पास एक ही प्लांट था, उसी को मैंने प्रोपोगेट करके कई सारे प्लांट बनाए हैं और उसको मैंने काफ़ी जगह बांटा भी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर रंग बिरंगी पत्तियों वाला प्लांट है। गर्मियों में अगर आपने आउटडोर लगाया है अपने बैल्कनी गार्डन में, तभी भी ये बहुत सुंदर लगेगा। साथ ही साथ अगर आपने इसको इनडोर भी रखा है जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो, तो अगर हल्की फुल्की जैसे एक आध घंटे की धूप आती हो और ब्राइट लाइट आती हो, तो भी ये बहुत अच्छे से चलेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये ड्रेसिना का जो प्लांट है, ये दो कलर के ड्रेसिना आते हैं, एक ग्रीन पत्तियों वाला आता है और एक ये आता है पिंक जैसी पत्तियों वाला। ये ब्राउन मैरून कहूँ, इसको ब्राउन तो नहीं है, ये मरूनिश पिंक कलर है इसका। तो जब नई पत्ती आती है तो आप देख सकते हैं इस तरह की होती है पिंक, और जैसे जैसे ये मैच्योर होने लगती है वैसे ये थोड़ी मरून हो जाती है, और फिर लास्ट में जब काफ़ी मैच्योर हो जाती है तो वो इस तरह की पत्ती हो जाती है। मेरे यहाँ इंडोर में इतनी जगह नहीं है, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा प्लांट इंडोर में नहीं रखे हुए हैं, लेकिन आप अगर इसे इंडोर भी रखेंगे तभी भी ये बहुत अच्छे से चलेगा। तो इसका प्रोपोगेशन बहुत आसान है। सबसे पहले प्रोपोगेशन की बात करूँगी। ये प्लांट जो है वो पप्स देता रहता है, आप देख सकते हैं ये पप्स देता है। ये काफ़ी सारे आप छोटे छोटे प्लांट देख रहे हैं, बहुत सारे पप्स दिए थे इसने, और मैंने उनको सबको मल्टीप्लाई करके और फिर इसको अपने प्लांट में क्या कई जगह मैंने दे भी दिए थे। इसको मैंने बिल्कुल निकाल के रिपोर्ट किया था, उसके बाद में फिर से इसमें तीन चार प्लांट निकल आए हैं। और ये जो रिपोर्ट किया था इसके बाद में मैंने, ये देखिए ये लगा दिए था, इसमें दो तीन लगाए थे मैंने, उसके बाद में इसमें ये वाला पप निकल आया है। और ये देखिए इसके पास एक ये है, दो, एक दो ये हो गए, और एक ये वाला प्लांट लगाया था मैंने। और ये देखिए ये काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी मैच्योर, काफ़ी बड़ा और कलरफुल पत्तियाँ हैं। देखिए कितनी सुंदर पत्तियाँ हैं इसकी, बिल्कुल पिंक कलर की। तो ये इस तरीके का प्लांट होता है। अच्छा, तो प्रोपोगेशन तो मैंने आपको बता दिया कि इसको आप पप्स देता रहता है, इसमें से आप कर सकते हैं प्रोपोगेट। और एक बार आप नर्सरी से ला करके लगा लें फिर तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। अच्छा, मिट्टी की बात मैं अगर करूं तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छी फर्टिलाइज़र मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। आप इसको दो से ढाई महीने में एक बार फर्टिलाइज़र दे दें, तो जैसे कोई भी कंपोस्ट दे दें, या वर्मी कंपोस्ट दे दें, या फिर गोबर खाद दे दें। अब जैसे गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों में आप गोबर खाद ना दें तो अच्छा है। और इस टाइप की ये ख़राब पत्तियाँ जो होती हैं इनको मैं तोड़ती रहती हूँ। तो जैसे गोबर खाद ना दे गर्मियों में, अभी तो दे सकते हैं मार्च के महीने में, बाकी आप आगे इसके बाद में गोबर खाद ना दें, इसके बाद में आप कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट इसमें जैसे 20, 22, 25 दिन के गैप के बाद में देते रहें तो अच्छा रहेगा। अगर वैसे नहीं भी दे पाए तो अभी भी ये एक से डेढ़ दो महीने तक बिना फर्टिलाइज़र के अच्छे से चलता रहता है। अच्छा, अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात कर दी, मिट्टी की बात करूं, तो आप इसमें बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल रखिए। जब भी आप इसका पॉटिंग मिक्स बनाएं उसमें रेत ज़रूर मिलाइएगा, उससे ये बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है और बहुत अच्छे से चलेगा आपका पौधा। तो और
तो मैंने आपके साथ में बात करी इसके प्रोपोगेशन की, सॉइल मिक्सचर की, वाटरिंग की। वाटरिंग अगर आपने इंडोर रखा है इसको, तब तो आप इसको 6 से 7 दिन में एक बार पानी दें। बस मिट्टी का ध्यान रखें, मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए। इंडोर प्लांट्स में तो वैसे भी मिट्टी मॉइस्ट ही रहती है क्योंकि इतनी जल्दी पानी नहीं सूखता है, लेकिन आपने आउटडोर रखा है तो मिट्टी की लेयर जैसे ही आपको लगता है कि सूख गई है तभी आप इसमें पानी दें। इसके साथ साथ एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरे पास तुलसी के थोड़े से बीज पड़े हुए थे, तो मैंने ना 3-4 बीज डाल दिए थे, 3-4 ही बीज डाले थे, तो बाकी तो नहीं हुए, लेकिन एक पौधा ये निकल आया है। आप देखिए अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूंगी। तो तुलसी को भी सीड से इस तरीके से उगा सकते हैं आप। और अगर मैं इसकी बात करूँ आपको किस एरिया में आप किस जगह पर रख सकते हैं, तो अगर आपके धूप भी नहीं आती है तभी भी आप इसको बड़े आसानी से लगा सकते हैं। प्लांट को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। वैसे तो ये हरे रंग का भी आता है, हरे रंग की पत्तियों वाला भी आता है, लेकिन मुझे ये कलरफुल पत्तियों वाला बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर गर्मियों में जैसे हमारे गार्डन में फूलों की कमी हो जाती है, तो ऐसे में अगर आप रंग बिरंगी पत्तियों वाले पौधे लगाएंगे तो जैसे ग्रीन के साथ में इस टाइप के पौधों का, रंग बिरंगी पत्तियों वाले पौधों को कॉम्बिनेशन अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। जैसे कि मैंने ये लगा रखा है, ये देखिए यहाँ पे एक इधर लगा रखा है ग्रीन पौधा और एक इधर लगा रखा है, तो उसके बीच में ये मरून कलर का जो पौधा है ये बहुत सुंदर लगता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।